हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है, कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ऑपरेशन डेस्ट स्टॉर्म नामक संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन की व्याख्या करेंगी कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाई थी, ऑपरेशन डेट स्टॉर्म। काफ़ी महत्वपूर्ण थी ये। आखिर देखा जाए तो ये ऑपरेशन किस कारण से चलाई गई थी, अमेरिका किस बात पे जो है अपना वर्चस्व मनवाने के लिए यहाँ पर ये जो है ऑपरेशन चलाई थी। तो बात यहाँ करें, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, क्योंकि ये आक्रमण कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण थी 1990 में। आपको बता दूँ कि जो कोल्ड वॉर की स्थिति थी 1951 में ख़त्म हुई थी, जर्नलिस्ट की बात है, 1951 में टोटली ख़त्म हुई थी। ठीक है, लेकिन अगस्त 1990 में इराक में कुवैत पर आक्रमण करना ये कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये दुनिया को दिखाना था कि उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाई गई थी। तो क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर की स्थिति भी थी, यानी इस समय कोल्ड वॉर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, और कुवैत पे हमला करके जो है अमेरिका ने ये साबित कर दिया कि इसकी जो है पूरा विश्व पे हजमनी है, यानी वर्चस्व है। इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट यहाँ पर जो आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इराक को अपनी आक्रमकता छोड़ने के लिए मनवाने में सिविल वार कूटनीति प्रयास विफल रहे, क्योंकि अमेरिका जो आक्रमणकर्ता, आपको पता है कि अमेरिका बार बार जो है हमला किया जा रहा था और इराक को अपनी आक्रमकता छोड़ने के लिए मनाने में जो कूटनीति प्रयास विफल रहे, तो जाके अमेरिका ने हमला किया इराक को। पहले अमेरिका ने चेतावनी भी दी लेकिन इराक ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को बलपूर्वक आज़ाद कराने का निर्णय लिया। देखा जाए तो इराक वालों ने जो है कुवैत पर जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और फिर संयुक्त राष्ट्र ने जो है उसको आज़ाद कराने के लिए, कुवैत को बलपूर्वक आज़ाद कराने का निर्णय लिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उस पर हमला किया, आक्रमण किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका का जो हमला हुआ था कुवैत पे, वो इराकी जो है लोगों से छुटकारा देने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर अच्छे विचारधारा थी अमेरिका की। देखा जाए तो 34 देशों को 660,000 सैनिकों की एक विशाल गठबंधन सेना ने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप समझ सकते हो कि 34 देशों ने जो है यहाँ पर इराक के साथ लड़ाई करने के लिए खड़ा हुआ, यानी यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका ने जो है कुवैत को जो है इराक के कब्जा छुड़ाने के लिए बहुत से देशों को सहायता लिया और देखा जाए 660,000 सैनिकों की एक विशाल गठबंधन सेना ने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी, यानी एक खाई थी जिसमें बहुत सारे सैनिक थे और देशों की कमी नहीं थी, 34 देश सम्मिलित थे। कहते हैं इराक सेनाएं जल्द ही हार गई और कुवैत से हटने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि आपको पता है इराक हमेशा ही ऐसे देशों को अपने अंतर्गत लेना चाहता है जिसमें धन दौलत बहुत अधिक हो, और उस समय अमेरिका ही ऐसा देश था जो इराक से जो है दो चार हाथ कर सकता था और कुवैत को छुड़ाना भी ज़रूरी था। इसलिए अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए जो है इराक के हाथों से कुवैत को छुड़ाने के लिए कूटनीति और बलपूर्वक जो है बल का प्रयोग किया और इसके साथ देने के लिए 34 देशों ने अपनी सैनिक भेजी और इसमें सैनिकों की संख्या जो थी 660,000 और सारे सैनिकों को ने बहुत ही आसानी से जो है इराक को हरा दिया और कुवैत को जो है इराक के चुंगल से मुक्त कर दिया और इसी प्रथम युद्ध को हम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इराक की सेना काफ़ी कमज़ोर निकली क्योंकि विश्व के 34 देशों कि सेनाओं की संख्या के सामने इराक की सेना जो है बहुत विफल रही और इराक हार गई। इसी को जो है हम पूरे ऑपरेशन को, जो ये पूरा ऑपरेशन हुआ
उसको हम जो है ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म समझ गए होंगे कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। किन कारणों से किया? क्योंकि कुवैत को जो है इराक ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़रूरी था कि ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म क्या था। अब देखिए, इस बात से दो बातें तो साबित हो गई, एक तो अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया और दूसरा जो है कुवैत इराक के चंगुल से मुक्त हो गया। तो देखा जाए तो अमेरिका का दो तरफा यहाँ फ़ायदा हुआ और इसमें जो है बहुत से देशों का जो है अमेरिका को समर्थन भी प्राप्त हुआ, तो इसी कारण से जो है अमेरिका का वर्चस्व आगे बढ़ा। लेकिन ये सारी कार्रवाई जो हुई उसको हम ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्जाम व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में ये क्वेश्चन आ गया है, अगर मन से आप त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।